राधानु रूप छे तो कानूड़ा नि चलो चलो बेटी चलो आओ टिंडी। ये देखो गाइस आज हम इधर जाने वाले हैं। गाइस ये इंडियन आइडल का चैंपियन। हे एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी पीछे अभी चिल्ला रहे हैं और ये मिक्कू यहाँ बैठी है। इनको इसको कोई चिंता ही नहीं है भाई, वो चिल्लाते रहे ये जाएगी नहीं, इसको बैठाता है बढ़ता है। और मुझे पता है आँख भी खुल गई है, आँख में दिखाती हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं ये, इनको भूख लगाती है ना, तो इसको बैठाना पड़ता है मिक्की को। ये देखो कैंडी देख दी, उधर गिर पड़ा। अभी गाइस चलने से, और ये पता ये सबसे बड़ी नानी बनती है इनकी। नानी तो वैसी है ये कैंडी, क्योंकि ये तो इसकी बेटी है ना मिक्का, है ना मिक्का, मिक्का, मिक्का। हाँ क्या कह रही हो? ओ जी हाँ, हाँ जी आ जाओ, आओ यहाँ आओ मिक्कू। ये हमारा टाई जो भी साथ में बैठा है, ये रही हमारी कैंडी। बच्चों क्या बेटे? आज क्या है, क्या कह रही हो बताऊं? मारूंगी। तो गाइस ये शेर दूध पीने के लिए चिल्ला रहे, ये मिक्की को बैठाना पड़ेगा। चलो चलो बेटी चलो आओ, उठो आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, उसमें कम कम मिक्को, सुनती नहीं हो। तो गाइस मैंने मिक्की को बैठा दिया है, अब ये दूध पिला देगी यहाँ पे बैठ के। फिर लेट जाती, बेचारी को घायल कर दिया है इन्होंने। ओ मेरी बेटा, मेरी सुंदरी। ये हमारा टाइजो, ये कैंडी। ये देखो गाइस आज हम इधर जाने वाले हैं। ये हमारे पास पास, डांडिया पास है ये हमारा। मैं लगा लेती हूँ और क्योंकि शाम को जाना है ना हमें डांडिया खेलने गरबा। और डांडिया भी तो देखने पड़ेंगे ना, डांडिया है कि नहीं हमारे पास, नहीं होंगे तो ले जाने पड़ेंगे। और पता है मैंने अपने जिक्स भी बुलाए हैं, जिक्स भी आएंगे हमारे यहाँ पे और जिक्स भी हमारे साथ चलेंगे डांडिया खेलने, क्योंकि एक पास पे चार या फिर पांच जने जा सकते हैं। चलो तो फिर तैयारी कर लें। तो गाइस आपको एक बात बता दूँ, मैंने ना बहुत टाइम पहले स्कूल में एक प्रोग्राम किया था, डांडिया कुछ बनाया था मैंने, तो देखते हैं वही वाले डांडिया रखे हैं कि नहीं। अगर नहीं रखे होंगे तो यार लेके आने पड़ेंगे वो, क्योंकि यार आलता लगाते हैं ना, तो फिर आलता से पूरा मुंह भी खराब हो जाता है, मतलब रेड रेड हो जाता है, उससे सारा आलता एक जगह नहीं रहता, उस पे मतलब टिका रहे, मेहंदी तो वही रहेगी ना। और आलता लगा लो तो उसके बाद यहाँ पे अगर मेरा थोड़ा सा भी हाथ ऐसे लग गया या फिर कैसे भी लग गया मुंह पे, तो उससे कपड़े भी खराब हो जाते हैं और क्या नाम है मुंह पे भी लग जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। हमारे पास अभी डांडिया नहीं है, तो मैं और दीदी लेने जा रहे हैं डांडिया शॉप से। चल लिया ले लिए हैं अपना सामान, डांडिया इसमें नहीं है, मैं आपको घर पे जाके दिखाती हूँ। हे गाइस तो अब बच चुके हैं सात, यार हम लोग वैसे ही लेट हो गए रेडी होने में, तो हम लोग डांडिया तो लेके आई गए हैं अभी, मैं और दीदी गए थे। और देखो ये सामने मेरे कपड़े रखे हैं, मैं रेडी हो जाऊँ जल्दी से। रखे सारे कपड़े ये निकाल लिए इसमें से, तैयार। गाइस वहाँ पे जाने से पहले ना मैं थोड़े से चावल खा लेती हूँ, समान के चावल, मम्मी भी खाएंगी खाना वैसे, तो थोड़ी सी रेडी हुई हूँ अभी, मैं रेडी होंगी पूरी तरह दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो गाइस मैं रेडी हो गई पर दीदी तैयार नहीं पड़ी, इसकी वजह से यार बहुत देर हो गई। इसी का मेरा ग्रीन था नहीं है, ये वाला दुपट्टा अच्छा लगेगा दीदी लगाएगी है ना, अगर वो वाला कशी वहां पे था कौन सा वाला, वो तो भाई तुम ले रहे अपने घर पे। चलो अभी थोड़ी देर में वहीं पे मिलते हैं फिर। ओके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, डालिया भी है। ये रहा गाइस ये रहा, इधर इधर चलो अभी अंदर चलते हैं ना, चलो। तो गाइस अभी हमें पता नहीं था, अभी हम पीछे वाले से आ रहे थे, बोली जी कृष्णा इंटरनेशनल वाले से, मंगेतन यूनिवर्सिटी से आ गए थे, इधर वाले से।
साथ इन्होंने अपनी आवाज से आवाज मिलाई है। तो कौन है ये? यार बहुत भीड़ है यहाँ पे। बताएगा? हाँ जी, किसने बताया? किसने बताया सही जवाब? तो गाइस ये है इंडियन आइडल का चैंपियन नितिन कुमार। घर पर अपने घर में डांडिया खेल के। इफ यू लाइक माय ब्लॉग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।